Assalamu alaikum wabarakatuh dear students. We are going to start a new exercise from the lesson playing the game on page 39. The ayashirukadam is exercise ko vocabulary se. First question: hai amara, match the words given under column A with the meanings given under column B. बिलो यानी कह रहे हैं कि ई बी कॉलम में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको आपस में उनके मीनिंग के साथ मैच करना है यानी ये सिनोनियम्स हैं और इनको आपस में मैच करना है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कॉलम ए एंड कॉलम बी तो फर्स्ट वर्ड है हमारा फैशन फैशन के माने होते हैं अंदाज स्टाइल या तरीक़ा तो फैशन जो वर्ड है ये वर्ड बी के वर्ड मैनर से मिलता है मैनर के माने भी होते हैं उसलोब तर्ज या तरीक़ा तो फैशन को आप मिलाएंगे मैनर से ओके या एंड सेकंड वर्ड है हमारा लूस 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 माने होता है ढीला लूस माने क्या होता है ढीला तो ये लूज़ जो वर्ड है हम कॉलम बी के वर्ड फ्री से मिलाएंगे फ्री माने में से आज़ाद होता है लेकिन यहाँ पर फ्री के माने ढीला आप कह सकते हो माय शर्ट इज़ लूज़ या माय शर्ट इज़ फ्री यानी मेरा शर्ट ढीला है तो लूज को आप 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 मिलाएंगे फ्री से नंबर थर्ड है हमारा वर्ड जॉली जॉली के माने होते हैं खुश ओके जॉली मीन्स खुश और हम कॉलम बी में ये जिस वर्ड से मिलाएंगे वो है हमारा जॉयफुल जॉयफुल जॉली को हम जॉयफुल से मिलाएंगे इसके माने भी होते हैं खुश अगला वर्ड है हमारा ओबलाइज ओबलाइज मींस होता है शुक्रगुजार होना शुक्रगुजार ओके okay? तो बी में जो वर्ड है यानी ग्रेटफुल हम ओपलाइज को ग्रेटफुल से मिलाएंगे इसके माने भी होते हैं शुक्रगुजार। अगला वर्ड है हमारा मीडो मीडो माने होते हैं सरसब्ज मैदान या घास का मैदान यानी मतलब जहाँ पर हरे हरे घास हो और मैदान हो तो हम उसको क्या कहते हैं मीडो मीडो तो मीडू को हम मिलाएंगे ग्रास लैंड से ग्रास लैंड ओके मीडू एंड ग्रास लैंड अगला वर्ड है हमारा प्रामिस प्रामिस के माने होते हैं वादा करना वसूख से कहना तो हम कॉलम्पी के वर्ड अश्योर्ड से मिलाएंगे इसे अश्योर्ड अश्योर्ड ओके okay? तो ये रहा हमारा का एक क्वेश्चन मैचिंग वर्ड्स विद कॉलम ए एंड कॉलम बी अब आई हम देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच हैव द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड्स इज गिवन एज अ हिंट ओके okay. तो आइए हम यानी मतलब ये कह रहे हैं कि आने वाले यानी जो एक्सप्रेशंस हैं जो तबीरत हैं उन उनबीरत के लिए इस 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 लेसन के अंतर से कोई एक वर्ड निकालिए और ये जो फर्स्ट लेटर इसमें दिया हुआ है ये हिंट के तौर पे दिया हुआ है तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर वन ए स्ट्राइक द फोर्ट विथ समथिंग एंड आलमोस्ट फॉल यानी मतलब पैर से किसी चीज़ पे मारना और और तकरीबन गिर जाना इसके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वह है इस्टम बॉल मीन्स होता है लड़खड़ाना आदमी जब एक चीज से टकराता है तो फिर वो लड़खड़ा करके गिर जाता है तो उसके लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टम्बोल बी देखते हैं टू डू समथिंग रेगुलरली इन आदर टू इन आदर टू बिकम एक स्किलफुल यानी यानी किसी चीज़ को लगातार करना माहिर होने के लिए तो ये जो हमारा एक्सप्रेशंस है इसके लिए हम कौन सा ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसका पूरा माना दे दे तो हम यहां पर क्या लिखेंगे इसके लिए आप लिखोगे यानी प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस ओके क्या लिखेंगे प्रैक्टिस लिखेंगे हमारा सी है देखते हैं रेस्ट इन बेंडिंग इन बेंडिंग पोजिशन फॉर सपोर्ट यानी सपोर्ट के लिए मतलब झुकना ओके तो इस एक्सप्रेशन के लिए हम कौन सा एक वर्ड लेके आएंगे जो इसका माना दे सकता है तो आप क्या सकते हैं एल दिया हुआ यहां पर तो क्या करोगे लीनिंग लीनिंग के माने टेक लगाना ओके लीनिंग ओके आगे देखते हैं डी ब्रेक इन अपन अ पर्सन समथिंग कोई आदमी मतलब मतलब बोल रहा हो फिर उसमें यानी अचानक से बोल देना तो इसके लिए कौन सा हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पर इसका माना दे सकता है तो इसका माना है आई दिया हुआ है तो आप कह सकते हो इंटरफेयर इंटरफेयर मीन्स होता है मुदाखलत करना तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को बयान करने के लिए हम जो वर्ड लेके आएंगे वो 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 कौन सा वर्ड है इंटरफेयर तो आप इंटरफेयर लिख सकते हो आखिरी हमारा जो एक्सप्रेशन है वो टू मूव समथिंग टू एंड फ्रो यानी किसी चीज़ को इधर उधर करना तो इसके लिए हम कौन सा ऐसा एक वर्ड इस्तेमाल करें जो इसका माना दे दे तो इसका वर्ड है वेविंग वेव वेव के माने क्या होता है इधर उधर हिलाना हरकत करना तो आप वेविंग यहाँ पे आप लिख सकते हो तो यानी हमारा जो फर्स्ट वर्ड था वो था स्टम्बल एंड सेकेंड वर्ड था यानी प्रैक्टिस एंड थर्ड वर्ड था लीनिंग और फोर्थ वर्ड था इंटरफ़ेयर और फिफ्थ वर्ड था वेविंग ओके okay? तो ये हो गया हमारा टू का अब आइए हम आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल है कि द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग यानी आने वाले जो वर्ड हैं उनके अपोजिट्स आपको देने हैं यानी उनका जिद देना है उनका एंटोनीम देना है तो आई फर्स्ट वर्ड है हमारा प्राउड इसके माने होते हैं मतलब खमंडी तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है मोडेस्ट मोडेस्ट या हम्बल भी कह सकते हो मोडेस्ट माने ऐसा आदमी जो घमंडी ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं मोडेस्ट कहते हैं नंबर टू सिन सिन के माने होते हैं दुबला अब इसका उल्टा क्या है मोटा तो उसके लिए क्या ला क्या होगे फैट क्या लाओ क्या लाओगे फैट ओके okay. लॉस्ट lost, lost माने होता है खोया हुआ इसका जो अपोजिट वर्ड है इसका जो उल्टा है वो क्या है Got, got माने हासिल करना लॉस माने खोना एंड गेट माने हासिल करना तो ये लॉस जो है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और got भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो लॉस्ट गॉट नंबर फोर हमारा राइट right. राइट right माने होता है सही ओके okay? तो राइट right का उल्टा जो आता है वो क्या है रॉन्ग क्या आता है रॉन्ग राइट एंड रॉन्ग ओके लेकिन यहाँ पर फॉल्स यहाँ पे यानी इन्होंने मतलब ये लिखा है नहीं से ये फॉल्स का अपोजिट होता है ट्रू लेकिन यहाँ पे राइट का जो अपोजिट है वो क्या है रॉन्ग आखिरी वर्ड है हमारा बाय बाय के माने होते हैं ख़रीदना बेचने के लिए जो वर्ड लेके आते हैं वो है सेल सेल लिख सकते हो परचेज भी लिख सकते हो तो बाय या परचेज आखिरी वर्ड है हमारा अप, अप मींस होता है ओपन और इसका जो अपोजिट वर्ड है उल्टा वर्ड है जिद है एंटोनियम है वह है डाउन अप डाउन अप डाउन ओके तो ये हमारा रहा तीसरा अब आइए हम चौथे सवाल को देखते हैं गिव द सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यानी आने वाले जो लफ्ज़ हैं उनके सिनोनियम्स देने हैं उनके मुतरदिफ देने हैं तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड है हमारा चूजन चूजन माने चुना हुआ तो इसका जो सिनोनियम है इसका जो मुतरदिफ है वो है सेलेक्टेड सेलेक्टेड ओके चूजन सेलेक्टेड सेम माने में उसके बाद हमारा वर्ड है रीच रीच माने होता है पहुंचना ओके आना और इसका जो सिनोनियम है इसका जो इसका जो मुतरदिफ है वो है अराइव अराइव ए डबल आर आई वी ई अराइव -E, यहाँ पे इन्होंने अटैन को लिखा लेकिन यहाँ पर यह सही नहीं है रिच अराइव आइफ फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली मीन्स किस्मत से तो इसका जो सिनोनियम है इसका जो मुतरदिफ है वो है लखली लखली फॉर्चुनेटली एंड लकली सेम माना में आंसर आंसर मीन्स होता है जवाब देना ओके okay? इसका जो इसका जो सिनोनियम है इसका जो मुतरदिफ़ है वो है क्या है रिप्लाई चो तो रिप्लाई आंसर एंड रिप्लाई हमारा आखिरी वर्ड है इस बाब में स्टेयर स्टेयर के माने होते हैं घूर करके देखना ओके घूर करके देखने को हम क्या है? कहते हैं स्टेयर कहते हैं इसके लिए जो वर्ड आता है उसके वो है यानी उसका जो मुतरदिफ तो तो है वो है क्लेंस ग्लेंस जे एल ए एन सी ई इसके माने भी होते हैं घूर करके देखना तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन और उसका आंसर अब आइए हम देखते हैं नौ ये हमारा मतलब चौथा था अब आइए हम पांचवा सवाल देखते हैं फिल इन ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिव एन यानी कह रहे हैं कि ये जो खाली मतलब जो जगह है आने वाले सेंटेंसेस के अंदर उनके उनको नीचे दिए हुए अल्फाजों के जरिया से फुल करें पुर करें तो आइए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट माइ माई क्वेश्चन करेक्टली ओके माई क्वेश्चन करेक्टली तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे आंसर माई क्वेश्चन करेक्टली आंसर ओके फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखोगे आंसर बी है हमारा एल एन वाज्ले इन स्कूल क्रिकेट मैच एल एन वाज चूज यानी एल एन को इंतखब कर लिया गया था मैच में खेलने के लिए तो यानी क्या लिखोगे आप चूजेन लिखोगे बी में सी में क्या लिखोगे प्लीज़ टू अंडरस्टैंड मी तो यहाँ पर आप लिखोगे मतलब वो लिखोगे यानी मतलब ट्राई लिखोगे प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी मेहरबानी करके मुझे समझने की कोशिश करें मेरे बातों को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्राई सी में क्या लिखोगे ट्राई लिखोगे ओके आगे चलते हैं डी में देखते हैं आई एम हाईली ओबलाइज आप क्या लिखोगे ओबलाइज मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ आपका तो आप क्या लिखोगे ओब्लाइट लिखोगे यहाँ पे आखिरी सेंटेंस है हमारा my शर्ट इज़ लूज लूज़ मेरा शर्ट ढीला है तो आपने देखा ये रहा हमारा fill in द ब्लैंक्स तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग और इन सारी चीज़ों को आप वीडियो सुन करके अपने कापियों में, में नोट करेंगे और नोट नोट करके इसको मेमोराइज़ करेंगे और इन अल्फा सुमानी से इस्तः करेंगे और उसे याद करेंगे सी उलैचा असलकुम वरह वर्का